नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेंट्स हाफ स्वेटर में एक कोट कॉलर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सेंटर में 15 फंदे घटाए थे। कोट कॉलर हम अलग से बनाकर और इसमें जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम 10 नंबर की सिलाई पे सिंगल थ्रेड से 22 फंदे डाले थे। 15 फंदे हमने यहाँ पे डिक्रीज किए थे, उसमें हम 7 फंदा और ऐड कर ले रहे हैं और 22 फंदा हम सिंगल थ्रेड से डालेंगे। 10 नंबर की सिलाई पे 22 फंदे डाले थे। स्वेटर का बॉर्डर भी मैंने 10 नंबर की सिलाई से ही बनाया था, तो 10 नंबर की सिलाई से ही हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर हम एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनते हुए बनाएंगे, यानी सिंगल रिब में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 22 फंदे डाल दिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 2, 22 22 फंदे डाल दिए हैं। इस धागे को हम ऐसे लपेट के और यहाँ गांठ लगा देंगे तो ये हमको बुनने में परेशान नहीं करेगा। ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे लपेट देंगे तो ये हमको बुनने में परेशान नहीं करेगा और इससे हम इसकी सिलाई करेंगे। तो एक फंदा सीधा, देखिए पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर अगला फंदा उल्टा, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में दूसरी लाइन में हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम सामने की तरफ हैं और ये हमारे बॉर्डर का तीसरा लाइन है। तो तीसरी लाइन में हम 20 फंदा बुन लेंगे। देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा है इसे उल्टा बुनेंगे और सीधे वाले फंदे पे सीधा बुनेंगे। तो एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनते हुए हम 20 फंदों को बुन लेंगे। तो 20 फंदे को बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने 20 फंदा बुन लिया है। अब लास्ट के 2 फंदे बचे हैं। तो देखिए ये फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे और हमें अब ये तीसरी लाइन में फंदे इंक्रीज करना है। तो इस फंदे को हम गिराएंगे नहीं, बल्कि ऊन को अपनी ओर करेंगे और इसी फंदे में हम एक बार उल्टा भी बुन लेंगे। देखिए ये हमने 21वें फंदे में हमने एक बार सीधा बुना, एक बार उल्टा बुना, लास्ट फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे बॉर्डर का चौथा लाइन है। तो चौथी लाइन में पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अगले देखिए ये सीधा पड़ रहा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे, फिर सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम फिर सामने की तरफ हैं और ये हमारे बॉर्डर का पांचवा लाइन है। तो पहले फंदे को हम हर सीधी लाइन में पहले फंदे को हमें स्लिप करना है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे ताकि ये एज हमारा एकदम क्लीन आए। तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करना है। तीसरी लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे और ये हमारा पांचवा लाइन है। तो इस लाइन में हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, फंदा हम हमेशा दूसरी साइड में ही, यानी ये साइड हमारा सिलने वाला साइड है तो इसी साइड में हमें फंदे बढ़ाने हैं। लेकिन हर सीधी लाइन में हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि एक सीधी लाइन को छोड़ के हम फंदे बढ़ाएंगे। तो
हमने तीसरी लाइन में फंदे बढ़ाए थे, अब ये हमारा पांचवा लाइन है, तो पांचवी लाइन में हम कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे, बस सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये हमारा छठा लाइन है, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अब देखिए अगला फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं और ये हमारे बॉर्डर का सातवां लाइन है, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा। तो हम अब की हमने एक फंदा बढ़ाया है, तो ये हमारे सिलाई पे इस समय 23 फंदा है, तो हम 21 फंदे को बुन लेंगे। तो 21 फंदे को बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 23 फंदों में से मैंने 21 फंदों को बुन लिया है, ये 22वां फंदा है, तो इसमें हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए ये उल्टा फंदा है तो ऊन अपनी ओर करेंगे, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अभी इस फंदे को हमें गिराना नहीं है, ऊन को दूसरी ओर करेंगे और इसी फंदे में एक बार सीधा बुन लेंगे। देखिए हमने एक फंदे से दो फंदा कर लिया, यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया, लास्ट फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये आठवां लाइन है, तो देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, अब ऊन अपनी ओर करेंगे, ये फंदा हमारा उल्टा आएगा तो इसे उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए अब सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा 9th रो है और मैंने देखिए 22 फंदों को बुन लिया है, लास्ट के दो फंदे बचे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये आपको छेद दिखाई दे रहा होगा, ये यानी हमने सिर्फ दो लाइन बुना है, इसका मतलब कि इस लाइन में हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और उल्टा बुनते हुए लाइन को कंप्लीट कर लेना है। तो 9th रो हो गया, 10th रो में सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सामने की तरफ हैं और ये हमारा 11वां लाइन है। देखिए हमने तीसरी लाइन में फंदे, यहाँ पे देखिए यहाँ छेद दिखाई दे रहा है, ये तीसरी लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे, फिर ये देखिए सातवीं लाइन में हमने यहाँ फंदे बढ़ाए थे। अब देखिए ये चार लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इस लाइन में यहाँ 11वीं लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं, उन दूसरी ओर करेंगे, ये देखिए सीधा फंदा है तो पहले इसमें सीधा बुनेंगे, फिर इसे बिना घटा इसे हमें गिराना नहीं है, बिना गिराए ऊन को अपनी ओर करेंगे और इसमें एक उल्टा फंदा बना लेंगे। तो हमने तीन फंदे इंक्रीज कर लिए, तीसरी में, फिर सातवीं में, फिर ये 11वीं में, यानी हर सीधी लाइन में हमें फंदे नहीं बढ़ाना है, एक सीधी लाइन छोड़ के हमें फंदे बढ़ाना है, एक सीधी लाइन में हम बढ़ाएंगे फंदे बढ़ाएंगे, फिर वापस बुनते हुए आएंगे, फिर जब सीधी लाइन में जाएंगे तो हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, फिर हम वापस आएंगे और अगली सीधी लाइन में हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो हमने तीसरे में बढ़ाया, फिर सातवें में बढ़ाया, फिर इसमें 11वें में फंदा बढ़ाया है, 13वां में हमें नहीं बढ़ाना है, फिर 15वीं लाइन में बढ़ाना है। तो इस तरह देखिए ये हमारा फंदा बढ़ना शुरू हो गया, ऐसे देखिए तिरछा आना शुरू हो गया है। तो इसी तरह हम फंदे बढ़ाएंगे, तो मैं थोड़ा बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बुनाई करते हुए मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है, इसकी लंबाई देखें तो ये सीधी तरफ से ये 8 इंच है और ऐसे तिरछाई की तरफ से देखें तो लगभग 8.5 इंच ये कंप्लीट हो गया है। और अगर इसको गले पे लगा के देखें तो देखिए हमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 14 लाइन से 16 लाइन और हमें बुनना होगा। तो अभी तक हम एक सीधी लाइन छोड़ के फंदे बढ़ा रहे थे, अब हम हर सीधी लाइन में फंदे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम बुनाई शुरू करेंगे और हर सीधी लाइन में यानी इस लाइन में हम फंदे बढ़ाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर नेक्स्ट सीधी लाइन में भी फंदे बढ़ाएंगे, इस तरह हर सीधी लाइन में फंदे हम बढ़ाएंगे। इस समय सिलाई पे 40 फंदे हैं और उसके बाद हम
हर सीधी लाइन में फंदे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड हम बुनाई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बुनाई करते हुए मैं लास्ट के दो फंदों तक पहुंच गई हूँ। तो देखिए ये फंदा सीधा है तो उन दूसरी ओर करेंगे, इसमें एक बार सीधा बुनेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और इसी फंदे को बिना गिराए इसी में एक बार उल्टा बुनेंगे। यानी यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया। अब लास्ट फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड में देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा है देखिए ये सीधा दिखाई दे रहा है तो इसे सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सामने की तरफ से बुनाई करते हुए मैं लास्ट के दो फंदों पर पहुंच गई हूँ। देखिए पिछली लाइन में हमने इस फंदे को बढ़ाया था तो अब की उन आगे करेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर बिना गिराए इसी फंदे में एक बार सीधा। लास्ट फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से सीधे वाले फंदे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 40 फंदे के बाद मैं हर सीधी लाइन में फंदे बढ़ा रही हूँ। ऐसे ही आपको एक ही बार ऐसे तिरछा आते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो इस समय मैं सामने की तरफ हूँ और मैंने 45 फंदे को 45 स्टिच को बुन लिया है। ये 46वां फंदा है, 46th स्टिच, और ये उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे और फिर इसी में एक बार सीधा, और लास्ट फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इस समय सिलाई पे 48 स्टिचेस हो चुके हैं। 22 फंदे से मैंने शुरू किया था और इस समय 48 स्टिच है। देखिए हमारी लंबाई लगभग पूरी हो गई है। तो अब हमें इसमें एक भी फंदे नहीं बढ़ाने हैं। सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए दोनों तरफ से हमें लगभग 5 इंच तक बनाना है। देखिए अब हम इस साइड का बुनाई करेंगे, बैक साइड का बुनाई करेंगे। तो ये देखिए एक ही लाइन में ये फंदे घटे हुए हैं, इसलिए अब हमें एक भी फंदे बढ़ाने नहीं हैं, बस सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लंबाई पूरी करनी है। तो मैं इतना बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लंबाई पूरी कर ली है और मैं सामने की तरफ हूँ, मैं सामने की तरफ हूँ। और देखिए मैंने बुनाई करते हुए सिलाई पे 48 स्टिचेस थे, मैंने 45 यानी 45 फंदे मैंने बुन लिया है। लास्ट के 3 फंदे बचे हुए हैं। तो जिस तरह हमने फंदे बढ़ाए थे, 40 के बाद 8 फंदे हमने हर सीधी लाइन में बढ़ाए थे एक एक फंदे, तो उसी तरह हम हर सीधी लाइन में एक एक फंदे घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदे हैं, मुझे 2 का 1 करना है। तो ये देखिए ये फंदा उल्टा है तो उन अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को उल्टा और सीधा, ये 2 फंदों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 करें। यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया, लास्ट फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा है उसे सीधा बुनते हुए और जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट करेंगे। घटाई हम सिर्फ सीधे की तरफ से ही, जैसे हमने सीधे की तरफ से बढ़ाया था उसी तरह सीधे की तरफ से ही करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमें ऊन जोड़ना हो, वैसे तो कोशिश कीजिए कि आपको ऊन जोड़ना ना पड़े, क्योंकि इस बॉर्डर में ऊन ज़्यादा लगता है, कम से कम एक गोला ऊन लग जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कॉलर नए गोले से ही बनाएं, लेकिन अगर आपको ऊन जोड़ना ही पड़े, देखिए जैसे यहाँ मैंने ऊन जोड़ा हुआ है, तो ये हमारा जो कि सीधे की तरफ से है इधर ही आना चाहिए, क्योंकि ये पलटेगा तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा। इस साइड में हमारा कोई भी जोड़ नहीं आना चाहिए, वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा।
तो अगर आपको बाय द वे जोड़ना ही पड़े तो वो आप हमेशा देखें सीधे की तरफ से, ये सीधा की तरफ है, लेकिन ये ऐसे जब सिलाई होगी तो ये ऐसे सिला जाएगा और ये यूं फोल्ड हो जाएगा, तो इस साइड ही आना चाहिए। सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम लाइन कंप्लीट कर लेंगे और सामने की तरफ से भी सीधा पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लास्ट के तीन फंदे पे आएंगे। तो इतना बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सामने की तरफ से बुनाई करते हुए हम लास्ट के तीन फंदे तक पहुँचे हूँ। तो देखिए अब उन दूसरी ओर करेंगे, चूँकि ये फंदा सीधा है तो इसको लेंगे और नेक्स्ट वाले फंदे को लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते हुए दो का एक करेंगे और लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ये उल्टा फंदा है तो इसे उल्टा बुन लेंगे। तो इधर यहाँ पे हमने दो फंदे घटा दिए। रॉन्ग साइड में सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। इस तरह हम हर सीधी लाइन में एक एक फंदे घटाते हुए कुल आठ फंदे घटाएंगे। दो फंदा हमने घटा लिया, छः फंदा हमें और घटाना है। तो छः फंदा जब घट जाएगा, यानी सिलाई पे 40 फंदे रहेंगे, तब एक सीधी लाइन छोड़ के हम जैसे हमने इस साइड में फंदे बढ़ाए थे, एक सीधी लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे और एक सीधी लाइन छोड़ दिया था, फिर नेक्स्ट यानी हर तीसरी सीधी लाइन में हमने फंदे बढ़ाए थे, उसी तरह हर तीसरी सीधी लाइन में फंदे घटाएंगे। जब हमारे 40 फंदे हो जाएंगे तब, उसके बाद तब तक हम फंदे घटाएंगे जब तक कि 22 फंदे ना हो जाए, क्योंकि हमने 22 फंदे से स्टार्ट किया था। देखिए तो 22 फंदे ना हो जाएं तब तक हम घटाएंगे, तो हमारा ये एक जैसा तैयार होगा। तो इतना करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सभी फंदे घट गए हैं और अब ये सिलाई पे 22 फंदे हैं और ये हमारा लास्ट लाइन है, यानी इस लाइन में अब हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो जैसा हमारा फंदा दिखाई दे रहा है, यानी ये सीधा फंदा है, नेक्स्ट फंदा उल्टा है, तो उसे उल्टा बुनेंगे। अब देखिए दो फंदे हो गए, तो पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। दूसरी ओर देखिए, नेक्स्ट फंदा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे। अब सिलाई पे दो फंदे हो गए हैं, पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे चढ़ा देंगे। इसी तरह सीधे को सीधा और उल्टे को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, आगे वाले पे ऐसे चढ़ाते जाएंगे। देखिए हमारे फंदे घटना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह करते हुए हम सभी फंदों को घटा देंगे। तो हमने ये सभी फंदे घटा दिए। अब लूप को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करेंगे, ये हमारा लास्ट फंदा है, इसे बड़ा करेंगे और धागे को निकाल देंगे और इसे कस लेंगे। हमारा कॉलर बन के तैयार है। अब इसे थोड़ा सा लंबा हम काट लेंगे क्योंकि ये सिलाई में काम आएगा। अब हमें इसे स्वेटर में जोड़ना है। देखिए फ्रेंड, ऐसे हम इसको ऐसे, देखिए ये हमारा तिरछा वाला सिरा है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई करना शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये नीचे से जुड़ गया है। अब हमें साइड से इसको सिलाई करनी है। तो ऐसे ही हम, देखिए
भेज गया है तो इसके ऊपर वाले सिरे में हम ऐसे नीचे से डालेंगे और इसके इस एज के ऊपर वाले सिरे में। चाहे आप अगर किसी दूसरे विधि से भी करना चाहते हो, सिलना चाहते हैं तो आप सिल सकते हैं। ऐसे ऊपर की तरफ से एक सिरे को बस ऐसे हम पकड़ेंगे, ऊपर के सिरे से ऐसे डालेंगे और इधर का जो ये एज गया है तो इसमें भी ऊपर के सिरे से मैं ऐसे सीधे फंदों की जो लाइन गई है इसमें ऊपर वाले सिरे में ऐसे सिलाई डालेंगे ऊपर की तरफ से ऐसे और ऐसे निकाल। इसी तरह हर फंदे में हम ऐसे ही सिलते हुए सिलाई होती है तो पता नहीं चलता है कि सिलाई कहाँ से हुई। तो ऐसे मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ तो फिर आपको दिखा दूँ। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करते हुए मैं अब आखिरी सिरे पे पहुंचा हूँ, लेकिन मैंने पूरा सिलाई कर दिया है। अब ये नीचे वाला पोर्शन बचा है तो इसको क्या करेंगे कि ऐसे करके ये जो हमने पहले सिला था इसी के ऊपर ऐसे चढ़ाएंगे और ऐसे सिलेंगे। ये फ्रेंड्स, ये इस तरह बनके कला तैयार हुआ है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये इस तरह बनके आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे फोल्ड करने के बाद ये इस तरह दिखाई देगा। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। आशा है पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने स्वेटर में इसे बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।